आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, और हम लोग आज से लगभग 2-3 लेक्चर तक, शायद मुझे लग रहा है 7, 8, 9, 10 चार लेक्चर होगा, और हम लोग सारा का सारा जो वर्ड प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग सीख लेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम किस किस प्रकार के होते हैं पहले ये हमें जानना जरूरी है। जैसे कुछ प्रॉब्लम होंगे जहाँ पे आप टेबल चेयर, कहीं पे प्रॉफिट लॉस, कहीं पे आपका इस तरह का इक्वेशन आ सकता है, जैसे कि कितने नंबर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, पानी जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, कहीं पैसा आएगा, एक रेलगाड़ी चल रही है, तो तमाम तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। कुछ ऐसा आएगा एज प्रॉब्लम जहाँ पे कि बाप और बेटे में या पिता और पुत्र में इस तरह से कुछ रिलेशनशिप दिया हुआ है, ये सब टाइप का सारा क्वेश्चन अपने को करना है। हेडिंग डालें वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें मैं एक आध सवाल आपको करवाता हूं, एक आध सवाल आप लोग खुद से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, 4 chairs and 3 tables cost 2100, 4 chairs and 3 tables cost 2100 and 5 chairs and 2 tables cost 1750, 5 chairs and 2 tables cost 1750, find the cost of 1 chair and 1 table separately, find the cost of 1 chair and 1 table separately। तो बहुत ही सरल तरीका है इसको सॉल्व करने का, बस तरीका ही मैं सिखा पाऊंगा क्योंकि सॉल्व कैसे करना है ये तो अब आपको पता है। देखिए क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ सिंगल चेयर बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ सिंगल टेबल बी वाई। मैं इसलिए इसको इस तरह से एक क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से लिख के बना दे रहा हूं, उसका रीजन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो इक्वेशन लिख रहे हैं, आप लोग तो अब तक लिख चुके होंगे, क्या लिखे हैं बोलिए तो इक्वेशन, हाँ 4x + 3y = 2100 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या लिखे, 5x + 2y = 1750। ये आप इक्वेशन लिख चुके हैं, मेरे को पता है, ये तो फट से आप लिख लेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि क्यों हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। आपने लिखा है कॉस्ट ऑफ सिंगल चेयर x है, जरा ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ 4 chairs किसके बराबर होगा, कॉस्ट ऑफ 4 chairs किसके बराबर होगा, 4 × x के बराबर, इसलिए आपने यहां पे लिखा 4x। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ सेकेंड बिट में आपने लिखा है 5 chair का कॉस्ट, 5 chair का कॉस्ट कितना होगा, 5 × x दैट इज इक्वल टू 5x। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 3 table कितना आएगा, तो आपने एक टेबल की कीमत मानी है y, तो 3 × y = 3y के बराबर। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेकेंड इज 2 table, 2 table की कीमत 2 × y = 2y के बराबर। अब जब हम लोगों ने इस प्रकार से लिख लिया है, देन 4x प्लस, आपसे पहले बिट में उसने कहा है कि 4 chair और 3 table की कीमत को जब आप जोड़ दीजिएगा तो टोटल कीमत क्या निकल के आएगी, 2100 रुपये आएगी। इसलिए हमने इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखा, ये लिखा है। ये लॉजिक आपके अंदर क्रिएट होना बहुत जरूरी है कि इसको इक्वेशन नंबर हम 1 क्यों मान रहे थे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जब आप 5 chair और 2 table की कीमत को जोड़ते हैं 5x + 2y, तो वो 1750 के बराबर आता है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और हाँ अभी आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ रही है 150 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 500। x की वैल्यू 150 एंड 5 की वैल्यू 500 निकल के आ गई। तो आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए मैं ये सॉल्यूशन कराना तो अब मेरा काम नहीं है क्योंकि ये तो मैंने आपको कितनी बार करा दिया है कि अब ये और फर्दर मैं आपको सॉल्व कराऊं वो कोई मैंने होशियारी का काम नहीं होगा। अब बस ये जानना है कि हाउ टू राइट द इक्वेशन।
ये तो चूंकि सबसे पहला सवाल था तो आपने यूं फटफट फटफट आपने उसका क्या कर लिया, इक्वेशन लिख लिया। नाउ राइट द सेकंड क्वेश्चन, लिखिए अ मैन हैज ओनली 20 पैसा कॉइन, अ मैन हैज ओनली 20 पैसा कॉइन एंड 25 पैसा कॉइन इन हिज पर्स। अ मैन हैज 20 पैसा कॉइन एंड 25 पैसा कॉइन इन हिज पर्स। इफ ही हैज 50 कॉइन्स इन टोटल, इफ ही हैज 50 कॉइन्स इन टोटल, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज ही हैव, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप डज ही हैव। क्या लिखा, 50 पैसा इन ऑल टोटलिंग कितना लिखा, 11.25 लिखवाए हैं, नहीं लिखे, इफ ही हैज 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग 11.25, टोटल रुपया कितना है 11 रुपया 25 पैसा, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज ही हैव, टोटल कितने कॉइन्स उसके पास होंगे। अब इस सवाल को थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, तो देखिए अभी तभी आप इसको सॉल्व कर पाइएगा जब आप ये तरीका समझ पाएंगे। तो इसलिए आसान वाला सवाल था वो तो आप फटफट बता दिए, 4x 3x 2x कर दिए। जब थोड़ा सा भी कठिन सवाल, अभी ये बहुत कठिन सवाल नहीं है, स्लाइटली कठिन है, अभी और भी कठिन कठिन सवाल इसके बनते हैं, वो जब कठिन कठिन सवाल आते हैं तो जब आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक होगा तभी आप उस तरह के सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैं जो सिखाना चाह रहा हूं वो समझ रहे हैं, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कि कोई सवाल आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, कह रहा है मुझे नहीं मालूम कि कितने कॉइन्स हैं, पर ये पक्का है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। यानी मैं ये कह सकता हूं, लेट, दो तरह का सिक्का है ना, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 20 पैसे या 20 पैसा इज इक्वल टू एक्स, फिर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ कितना 20 पैसा है 25 पैसा वाला है 25 पैसा इज इक्वल टू वाई। आपने ऐसे नंबर ऑफ कॉइन्स ले लिए, एक्स इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 20 पैसा एंड 25 पैसा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक रिलेशनशिप तो डायरेक्ट दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स किसके बराबर है, 50 के बराबर है, तो दोनों जो कॉइन है वो इन्हीं दोनों से मिलकर बना होगा ना, तो नंबर ऑफ कॉइन्स एक्स है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। इसको आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर वन, ये आपका इक्वेशन नंबर वन, ये पहला इक्वेशन, ये सबसे सरल इक्वेशन है। लेकिन वहां पे एक और डेटा दिया हुआ है 11.25 ऐसा कुछ एक इंफॉर्मेशन है, दैट इज मनी के टर्म्स में, तो अभी आपको इसको मनी के टर्म्स में भी लिखना पड़ेगा। अब आप देखिए फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट दिस 20 पैसे इनटू मनी, 20 पैसे को जब आप रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, 20 पैसा को जब आप रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बराबर आएगा, 1/5 रुपीज आएगा। क्या कैसे, आपने 20/100, एक रुपए में 100 पैसा, तो कितना हो जाएगा 1/5 रुपया होगा। सिमिलरली 25 पैसे को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1/4 रुपीज होगा। क्यों, 25 को जब आप 100 से डिवाइड देंगे ये क्या आ जाएगा, 1/4। अब जरा ध्यान से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 का कितना सिक्का है, आई डोंट नो हाउ मेनी सिक्का आर देयर, तो मैं बोलूंगा चलो 20 का एक्स नंबर ऑफ सिक्का होगा प्लस वाई का, ये जो 25 पैसा है उसका वाई नंबर ऑफ सिक्का होगा। और इन दोनों को, अब देखिए सिक्का को जब आप नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके डिनोमिनेशन को जब नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यू विल गेट मनी, दोनों 25 है मतलब। अच्छा आप कह रहे हैं आंसर दोनों का 25 है, यस द आंसर फॉर बोथ इज 25 ओनली। अब ये क्या हो गया x by 5, और ये टोटल कितना आ रहा है 11.25 रुपीस के बराबर। तो इस प्रकार से x by 5 प्लस x by 4 इज इक्वल टू 11.25, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 आ गया। वंस यू नो दी इक्वेशंस, अब आपको इसको क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। और जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू भी कितनी आ रही है 25, और y की वैल्यू भी कितनी आ रही है 25 निकल के आ रही है।
तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि किस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चंस को आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जहां पर आप कॉन्सेप्चुअल दिमाग लगाना है आपको कि क्या दिया हुआ है, कैसे आप उसको निकालेंगे। अगर नंबर दिया हुआ है तो नंबर्स को ऐड करेंगे, अगर डिनोमिनेशन दिया है तो नंबर इनटू डिनोमिनेशन विल बी मनी, मनी प्लस मनी इज इक्वल टू मनी। आप हमेशा आम प्लस आम आम लिखते हैं, इमली प्लस इमली इमली लिखते हैं, तो पहले आपको आम पे आम जोड़ना होगा ना। अगर 50 बोल रहा है तो आपको तो पहले दोनों आम चाहिए, तब ना वो 50 के बराबर होगा। तो ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, दोनों को जोड़ा तो 50 हो गया। यहां पे पैसा है यानी रुपया है, अब ये रुपया है तो ये दोनों भी रुपया होना चाहिए, तब ना रुपया प्लस रुपया विल बी इक्वल टू रुपया। तो आप रुपया प्लस रुपया को कैसे करेंगे, तो मुझे पता ही नहीं है कि कितना रुपया है, तो एक्स का कितना रुपया है तो तब पता चलेगा जब 20 पैसा कन्वर्टेड टू रुपया मल्टीप्लाइड बाई कितना सिक्का है। आपके पास 100 सिक्का है 20 का, तब बोलेंगे ना 10 × 1/5 करेंगे तो टोटल आपका 4 रुपया बनेगा, तो 4 रुपया इससे बना और बाकी बचा रुपया उससे बनेगा। तो इस तरह से आप x और y कैलकुलेट करते हैं। अगला एक सवाल लिखिए, ये भी एक अच्छा सवाल है, ये पूरा उतार लिया, कोई डाउट इस तरह के सवाल में समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसको समझना। राइट, ए एंड बी ईच हैव सर्टन नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ए एंड बी ईच हैव सर्टन नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ए और बी दोनों के पास कुछ संख्या है ऑरेंजेस के। जैसे ही कुछ संख्या आ गया, मुझे नहीं मालूम कितना, लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस फॉर हैविंग विद ए इज एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैविंग विद बी इज वाई। कुछ संख्या है, ए सेज टू बी, ये स्टेटमेंट बहुत ही क्लमजी रहता है, इसको थोड़ा तक ठीक से लिख के नहीं बार बार पढ़िएगा तो उसको इक्वेशन में चेंज करना लेट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ए सेज टू बी, If you give me 10 of your oranges, A says to B, if you give me 10 of your oranges, 10 of your oranges, I will have twice the number of oranges left with you. I will have twice the number of oranges left with you. If you give me 10 oranges, I will have twice the number of oranges left with you. Done. Full stop. B replies. अब B देखिए क्या जवाब दे रहा है. If you give me 10 of your oranges, B कह रहा है A से, अगर तुम मुझे अपने 10 oranges दे दोगे, I will have the same number of oranges as left with you. B replies. If you give me 10 of your oranges, I will have the same number of oranges as left with you, as left with you. Find the number of oranges with A and B. Find the number of oranges left with A and B. A और B के पास कितने oranges हैं ये आपको बताना है. Find the number of oranges with A and B. A और B के पास कितने oranges रह जाते हैं ये आपको बताना है. Got it? चलिए थोड़ा सा प्रयास कीजिए, बन जाता है तो वेरी गुड, नहीं बनता है तो फिर मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि कैसे इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए कोशिश करिए, पहले थोड़ा अच्छा सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा टाइम लेकर इसे सॉल्व करके दिखाएं, बिकॉज सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सिर्फ मैं सॉल्यूशन बता दूं और आपको उसका सॉल्यूशन पता चल जाए, इससे कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। होना ये चाहिए कि आप बनाएं, आप देखें, आप बताएं कि क्या उसका आंसर आ रहा है, तो फिर कुछ बात समझ में आते हैं। मैं हिंट के रूप में आपसे इतना जरूर कह सकता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद ए बी एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद बी बी वाई। उसके बाद धीरे धीरे स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट करिए। स्टेटमेंट कहता है ए सेस, ए कह रहा है किससे, टू बी, इफ यू गिव मी 10। अच्छा, अगर ए बी से कह रहा है कि तुम 10 दे दो, तो अब रिमेनिंग कितना रहेगा बी के पास, वाई माइनस 10, और ए के पास कितना हो गया, एक्स प्लस 10। ये तो पहले आपने उसको लेन देन करके हिसाब कर दिया। देन आई विल हैव, ए कह रहा है आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विथ यू, जितना तुम्हारे पास ऑरेंजेस उसका दुगना ऑरेंज मेरे पास हो जाएगा, जितना बच गया है उसको दुगना करेंगे तो मेरे पास जितना ऑरेंजेस वो दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिए कैसे मैं लिखता हूं, दिखाता हूं कि कैसे इस तरह के सवाल को आप सॉल्व करेंगे। राइट, लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस
oranges with a b x and the number of oranges with b b y. ये हो गया. अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है. ए सेज टू बी कि तुम अपने 10 ऑरेंजेस मुझे क्या कर दो, दे दो. अगर ऐसा होगा तो अभी न्यू नंबर क्या आ जाएगा. न्यू नंबर ए के पास कितना हो जाएगा, x प्लस 10. वाई बी के पास क्या हो जाएगा, बी के पास क्या आ जाएगा, y माइनस 10. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y माइनस 10. इसको सॉल्व करिएगा, जो आएगा उसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए. ये आपने पहला इक्वेशन निकाला, सॉल्व भी कर ही देता हूं मैं. x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y माइनस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 30. ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. व्हाट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20 इज इक्वल टू योर इक्वेशन नंबर 1. ये आपका इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गया. कोई दिक्कत है तो बताइए. नहीं. अब ये आपका पहला इक्वेशन है. दूसरा इक्वेशन अब आपको लिखना है. वो आप कैसे लिखिएगा, विद द हेल्प ऑफ द अदर स्टेटमेंट गिवन बाय दी दैट बी. बी रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस. अब कह रहा बी तुम क्यों लोगे, मैं बोल. बी सेज टू ए इफ यू गिव मी योर 10 ऑफ योर ऑरेंजेस. तो अभी न्यू नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या होंगे, न्यू नंबर ऑफ ऑरेंजेस ए के पास कितने होंगे, x माइनस 10. बी के पास कितने होंगे, y प्लस 10. ये अब नया संख्या उन दोनों के पास आ गया. फिर क्या होगा, आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एज लेफ्ट विथ यू. हमारे पास जितने ऑरेंजेस हैं उतने ही मेरे पास बच जाएंगे, यानी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा. यानी इस हिसाब से सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आपको दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को सॉल्व कीजिए. x और y की क्या वैल्यू होती है मुझे बताइए. जब आप इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो x और y की जो वैल्यू होगी वो मुझे आप बताएं कितना आ रहा है. जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, x की वैल्यू 70 और y की वैल्यू 50. x इज इक्वल टू 70 एंड y इज इक्वल टू 50. ये आपका वैल्यू निकल के आ रहा है, x 70 y 50. बट इट सॉल्व करके देख लीजिएगा. आप ही रहा देखिए ना, 70 माइनस 100, 70 माइनस 100 इक्वल टू माइनस 30, करेक्ट. तो इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. मैं सरल वाला इसलिए नहीं करा रहा कि 5 पेन और 4 पेंसिल की कीमत इतना है, 3 पेन 2 पेंसिल की कीमत इतना है, तो निकालिए. वो आप कर लीजिएगा, जो आप कर लेंगे वो मैं करा के क्या फायदा. जो आपसे नहीं होगा वो मेरे को करना चाहिए, क्योंकि जो आपसे नहीं हो रहा है वो अगर मैं बनवा दूं तो आपको एक आइडिया डेवलप होगा कि हाँ यार ये एक नया चीज सीखा. अभी ये मैं बताऊं कि यार 3 पेन 4 पेंसिल का कीमत, ऐसे झूठ मूठ के टाइम वेस्ट करके क्या फायदा. अगला सवाल लीजिए. सुमन इन्वेस्टेड सर्टन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम्स ए एंड बी. सुमन इन्वेस्टेड सर्टन अमाउंट ऑफ मनी इन टू इन्वेस्टमेंट टू स्कीम्स ए एंड बी. दो स्कीम है ए और बी, ऐसे करके कुछ स्कीम है. क्या स्कीम है देखते हैं. विच ऑफर्स इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम एंड 9% पर एनम. तो दो स्कीम है, एक 8% का लाभ दे रहा है और दूसरा 9% का लाभ दे रहा है. वन इज 8% पर एनम, अनदर इज 9% पर एनम रेस्पेक्टिवली. गॉट इट. शी रिसीव्स रुपीज 1860 एज एनुअल इंटरेस्ट. शी रिसीव्स 1860 रुपीज एज एनुअल इंटरेस्ट. सालाना इंटरेस्ट उसको कितना मिला, दोनों में जब उन्होंने इन्वेस्ट किया तो सालाना कितना मिला उसको, 1860 रुपया मिल गया. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. ज्यादा होशियार नहीं थी, इसका मतलब कम ही पैसा निकाल पाई. हाउएवर, आगे लिखें, हाउएवर शी इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट
सी इंटरचेंज्ड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उन्होंने क्या किया, दोनों का अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द टू स्कीम्स, दोनों स्कीम में इसने जो पैसा खर्चा किया था उसको अल्टीपल्टी कर दिया, शी वुड हैव रिसीव्ड 20 मोर एज एन एनुअल इंटरेस्ट, शी वुड हैव रिसीव्ड 20 मोर एज एन एनुअल इंटरेस्ट, हाउ मच मनी डिड सी इन्वेस्ट इन ईच स्कीम, हाउ मच मनी डिड सी इन्वेस्ट इन हर ईच स्कीम, 20 मोर एज एन एनुअल इंटरेस्ट, तो उसको अगर अमाउंट को इंटरचेंज कर दी तो उसको जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो 20 रुपया ज्यादा मिला, तो कह रहा हाउ मच मनी डिड सी इन्वेस्ट इन बोथ द स्कीम्स, कितना कितना पैसा इन्होंने दोनों स्कीम में लगाया है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, गॉट इट, सवाल तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, जिस तरीके से मैंने लिखवाया है उस हिसाब से तो आपको सवाल समझ में आ ही गया होगा कि सवाल कह क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि एक मैडम है जिनका नाम है सुमन, सुमन मैडम ने दो अलग अलग स्कीम्स में दो अलग अलग अमाउंट के पैसे लगाए हैं, एक ऐसा अमाउंट है, एक में अगर उसने एक्स पैसा लगाया तो दूसरे में वाई पैसा लगाया, दोनों पैसे एक्स और वाई जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं उन इन्वेस्टमेंट पे एक पर उनको 8% का रिटर्न आ रहा है, एक पे उनको 9% का रिटर्न आ रहा है, यही बोला है ना, एक पर 8 और एक पर 9 रेस्पेक्टिवली, तो पहले वाले में 8 दूसरे वाले में 9 ऐसा इन्वेस्टमेंट रिटर्न आया, दोनों रिटर्न से जो एनुअल इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो 1860 रुपया हुआ। अब कह रहा है कि जहां पे उसने एक्स लगाया था उसकी जगह पे वाई लगा दिया और जहां वाई लगाया था उसकी जगह पे एक्स लगा दिया, तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 20 रुपए से क्या हो गया, बढ़ गया। आपसे कह रहा बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, गॉट इट, ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट स्कीम बी एक्स, एक्स रुपीज उन्होंने पहले स्कीम में लगाया, और द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड स्कीम बी वाई, तो उसको उन्होंने सेकेंड स्कीम में वाई बता दिया। अभी पहले स्कीम में एक्स आया, दूसरे स्कीम में वाई आया। अब मैं देखता हूं इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करते हो, इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करते हो पी आर टी बाई 100, प्रिंसिपल अमाउंट एक्स इंटू रेट एक का 8%, समय एक साल, तो कितना आ जाएगा 8x बाई 100, या मैं से लिखूं 0.08x, ये आपका इंटरेस्ट आया फ्रॉम फर्स्ट स्कीम, और इंटरेस्ट फ्रॉम सेकेंड स्कीम कितना आ रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेकेंड स्कीम आपका आएगा, अगेन फॉर्मूला आप लगाओगे पी आर टी बाई 100 दैट इज इक्वल टू वाई इंटू 9 बाई 100 इंटू 1, ये आ जाएगा 9y बाई 100 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.09y, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो दोनों अमाउंट आया है इंटरेस्ट, इसी को जोड़ने पर कितना हो रहा है 0.08x प्लस 0.09y इज इक्वल टू 1860 रुपीज हो रहा है। अब उन्होंने कहा कि ये सब कुछ सेम है, सिर्फ हमने अमाउंट को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब जब अमाउंट को चेंज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट जो पहले वाले में आएगा वो अब कितना हो जाएगा, वो जाएगा अगेन फॉर्मूला होगा पी आर टी बाई 100, प्रिंसिपल दिस टाइम वाई, दिस इज 8 बाई 100 इंटू 1, और इसको तो आप सॉल्व करिएगा आएगा 0.08y। सिमिलरली इंटरेस्ट जब आप 2 कैलकुलेट करिएगा तो इंटरेस्ट 2 आएगा पी आर टी बाई 100 दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू 9 बाई 100 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0.09x, और इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो जो नया प्रिंसिपल है पहले वाले से 20 रुपये ज़्यादा है, यानी 0.08y प्लस 0.09x इज इक्वल टू 1880। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, तो आप जरा इसको सही कर लीजिए, x और y के टर्म्स में लिख लीजिए, x आगे कर लीजिए और y पीछे कर लीजिए ताकि वो देखने में एक जैसा रहे। इस पैटर्न का कोई सवाल पढ़ाएं क्या, जहाँ पर अगर जो वैल्यूज हैं वो अगर इंटरचेंज हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार ऐड कर लो एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो
और x क्या और y की वैल्यू फट से निकाल लो। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है, बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है जल्दी से। x और y कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 10,000 आ रहा है और y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 12,000 रुपया। सॉल्व करिएगा तो ये x इज इक्वल टू कितना आएगा 10,000 रुपया और y इज इक्वल टू कितना आएगा 12,000 रुपया। मेरे ख्याल से लॉजिक क्लियर हुआ कैसे आपको कैलकुलेशन करना चाहिए इस तरह के सवाल में। व्हाट इट, मैंने लगभग सारा टाइप, एक टाइप लास्ट एक रह गए उसको भी कर लीजिए। तो ये सारा जितना भी ना प्लस माइनस शेयर टेबल ये सारा टाइप आपका खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे ना अगले क्लास में, फिर धीरे धीरे हम लोग वो कुछ कुछ नंबर बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं कि नंबर को रिवर्स कर दिया, नंबर को उल्टा कर दिया, वो कैसे निकलता है। फिर एक क्वेश्चन आएगा फ्रैक्शन बेस्ड, फिर एक क्वेश्चन आता है जहां पे आप डिस्टेंस वाला, नहीं बताया था कि आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला, वो एक टाइप रहता है। और फिर एक आता है एक्सपेंडिचर कि आपके कितने सेविंग्स हैं, कितने एक्सपेंडिचर हैं। फिर कुछ मेंसुरेशन रिलेटेड भी रहता है कि एरिया है ट्रायंगल है उसका। तो दो तीन क्लास में पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा, मैं मिला मिला के सारे टाइप से करवा दूंगा। अभी फिलहाल एक और लास्ट सवाल आप लिखें, ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5%, ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन एंड अ फ्रिज एट 10% गेन, ऑन सेलिंग अ टेलीविजन एट 5% गेन एंड अ फ्रिज एट 10% गेन, अ शॉपकीपर गेन्स ₹2,000, नेट गेन कितना हुआ शॉपकीपर का 2,000 रुपया। ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन एंड अ फ्रिज एट 10% गेन द शॉपकीपर